अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आए हुए हैं किफ़ाया आए हुए हैं, ये फार्मेसी भी है और सुपरमार्केट भी है। तो इसी के साथ ये स्वीट बेकर्स भी है यहाँ पे, ये स्वाद का है, तो ये स्वाद की ब्रांड का है। यहाँ पे सारे स्वीट्स और जो रोल समोसे वगैरह होते हैं, फ्राई चीज़ें, वो यहीं से मिलती हैं। तो बच्चों को मैं किफ़ाया लाई थी, मैंने कहा चलो यहाँ के मॉल्स भी देख लेते हैं। वैसे तो मैं पेशावर में जाती रहती हूँ, लेकिन कराची में ये मैं जा रही हूँ फ़र्स्ट टाइम मॉल, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें लेनी नहीं थी, सिर्फ थोड़ा विज़िट करना था, और अगर कुछ पसंद आया तो वो मैंने लेनी थी। तो उसके लिए जो है हमने छोटी सी बास्केट ले ली, और ये सारा मैं इसका विज़िट कराऊँगी। तो यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक चीज़ है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। और शेड्स यहाँ पे खुले पड़े हुए थे, आप ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद आप जो भी चाहिए आपको वो आप ले सकते हैं। तो हर एक चीज़ ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त क्वालिटी थी, और हर एक चीज़ ना मुख्तलिफ वैरायटी में मौजूद थी, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे मौजूद ना हो। सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी और सब कुछ था यहाँ पे। तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, और मैंने भी इनके साथ बहुत सारा इन्जॉय किया, और मुझे बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ें सारी मिल रही थी और ज़बरदस्त भी थी। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी मिल रही थी, क्रॉकरी भी मिल रही थी। यहाँ पे जो है सारे जो है ये क्रॉकरी, सारी ट्रे वगैरह, और बच्चों की पौनियाँ वगैरह, और बड़ों की जो ज्वेलरी होती है वो सारी, हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। तो यहाँ पे मैं ट्रे देख रही थी, क्योंकि मेरे सिस्टर को लेना था, तो मैंने दिखाई, मैंने कहा ये वाली ट्रे है जो लेनी है। और मैं इस वजह से भी कम चीज़ें ले रही हूँ, मतलब कम ही लेती हूँ, क्योंकि लेके जाना ना एक बड़ा मसला है। वैसे तो चीज़ें हर जगह पे आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ से पेशावर लेके जाना ना वो एक बड़ा मसला है। तो इस वजह से ना मैं चीज़ों को अवॉइड कर रही थी कि कम से कम लूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें ले रही थी जो वहाँ पर नहीं मिलती, तो जो यहाँ पर सिर्फ मिलती है वो मैं ले रही थी कि वो बस मैं ले लूँ और ज़्यादा ना लूँ। यहाँ पे बच्चों के सारे खिलौने और सारी चीज़ें मौजूद थी, स्पोर्ट्स की चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद थी। और बच्चे ना आवाज़ तो लगा हुआ था कि मम्मा ये लेके दो, वो लोग लेके दो, सारी चीज़ें उसको चाहिए थी। और स्टेशनरी की भी थी, तो मुझे पेंसिल्स चाहिए थे यहाँ पे, तो वो मैंने ले ली, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो स्कूल खुलेंगे और इनका होमवर्क कम्प्लीट नहीं होगा, तो इनको मैंने मतलब ट्यूशन ये लोग जाते हैं, तो उसके लिए जो है मैंने पेंसिल ले ली। और आपने पीछे जो है कप्स देखे होंगे छोटे छोटे, तो वो मुझे बड़े पसंद आए थे, तो वो भी मैंने बच्चों के लिए ले लिए थे। मैंने कहा कप्स ना अगर यूज़ करें या ना करें, लेकिन मुझे पसंद आ गए थे, तो इस वजह से ना मैं इनको ना मैंने वो लेके दे दिए थे। और यहाँ पे ये सारे बच्चों के छोटे छोटे शूज़, और ये उनके सूट्स, तो ये पे सारी गारमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ों के भी थे और छोटों के भी थे, तो मैं ये दिखा रही थी, क्योंकि मेरा छोटा सा बांजा है, तो उसका मैं दिखा रही थी सिस्टर को कि ये देखो इतने प्यारा सूट है यहाँ पे, ये वाला, जिसके साथ कैप भी मिल रही थी।
और ये देखिए हर एक प्राइस के यहाँ पे मिल रहे थे, कोई मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं थी, सबकी अच्छी और प्राइस थी यहाँ पे। और अब्बास इस गाड़ी के पीछे लगा हुआ था कि ये मुझे लेके दे, क्योंकि इसका गेट भी खुल रहा है, और मम्मा ये लेके दे मुझे। और निदा ने भी कोई स्लाइम उठाया था कि मुझे वो लेके दे। तो बस इस तरह से ये सारी लुक हो गई किफ़ाया की। और ज़बरदस्त शॉप्स है यहाँ पे, बेड शीट्स और ये कुर्तीज़ सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। मुझे यहाँ पे ना क्लच भी चाहिए था, वो मैंने ले ली। और वॉच की आप वैरायटी देख ले, हर किस्म के वॉच थे यहाँ पे, जेंट्स लेडीज़ किड्स गर्ल्स बॉयज़ सब के वॉच यहाँ पे थे। और वैरायटी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे कि पूछे मत। तो ये देखिए हर किस्म के वॉचेस यहाँ पे मिल रहे थे, और एक से बढ़कर एक वैरायटी थी। ग्लासेस थे यहाँ पे, और इस तरह से कैचर्स और ज्वेलरी सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। मतलब ऑसम वैरायटी थी यहाँ पे, हर एक वैरायटी थी। और यहाँ पे ज्वेलरी आप देख ले, हर किस्म की ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही थी, छोटे बुंदे बड़े टॉप सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। और मुझे सबसे जो पसंद आई ना, वो मुझे ज्वेलरी ही पसंद आई, और कोई ज़्यादा कीमतें नहीं थी, बहुत ही मतलब मुनासिब कीमतें थी सबकी, और ज़बरदस्त वैरायटी थी इनकी। तो ये सारा आप देख लें। तो यहाँ पे एक झुमके मुझे पसंद आए थे, वो मैं दिखाती हूँ। तो ये सारा यहाँ पे था, और यहाँ पे ये झुमके आप देख ले, इतने औसम थे ना। और मैंने अक्सर ना इसको जो है देखा हुआ है, सेलिब्रिटीज़ ये लोग पहनते हैं। ये देखें इतने ज़बरदस्त यहाँ पे झुमके थे, और भी थे, हर किस्म के थे, मैचिंग भी थे, ज्वेलरीज पौनिया थी यहाँ पे, और यहाँ पे चूड़ियाँ भी थी, कड़े वगैरह वो सारे भी थे। और ये देख ले इतने प्यारे और इतने ज़बरदस्त यहाँ पे थे सारी चीज़ें। ये रे देखिए ज्वेलरी। तो यहाँ पे ना आप जाके सारी शॉपिंग कर सकते हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। तो ये देखिए ये सबसे अच्छी थी ये वाली। यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी, तो बच्चों को लग गई थी भूख और उन्होंने कुछ खाना था,
तो अब्बास को जिंगर खाना था, और निधा को बिरयानी खानी थी, तो हमने कहा चलो बिरयानी तो हमने बहुत खा ली, अब चलो जिंगर खा लेते हैं। और जब हमने ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि उसमें टाइम बहुत लगेगा, तो बस बच्चों को हमने चिकन बर्गर खिला लिया था, और बड़े मज़े का था, ज़बरदस्त था, और ओनली 150 का था, बड़ा ही मज़े का था ये। और चिकन पेटियाँ बनाई हुई थी इन्होंने, और वो रखी थी बीच में, और ज़बरदस्त था ये वाला चिकन बर्गर, हमें तो बड़ा मज़ा आया इसमें। तो बस यहाँ पे आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह से जो है मेरी वीडियोस वॉच करते रहा करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।